हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ घरेलू उपचार में। दोस्तों, जो लोग अपने अनचाहे बालों से परेशान हैं और उन्हें हमेशा के लिए हटाना चाहते हैं, वे इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखें, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ज़बरदस्त कारगर घरेलू नुस्खा बताऊँगा, जिसे अगर आपने अपने अनचाहे बालों पर लगा लिया तो आपके अनचाहे बाल पूरी तरह से गायब हो जाएंगे और फिर दोबारा कभी नहीं आएंगे। तो दोस्तों, ये नुस्खा क्या है और इसे कैसे बनाना है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इस नुस्खे को बनाना शुरू करते हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले आप थोड़ा सा कच्चा पपीता लेकर उसे मिक्सी में डालकर उसका बारीक पेस्ट बना लीजिए। दोस्तों, कच्चे पपीते में पेपिन नाम का एक शक्तिशाली एंजाइम होता है, जो बालों की जड़ों और रोम को कमज़ोर कर देता है, जिससे अनचाहे बाल आसानी से निकल जाते हैं और फिर दोबारा नहीं आते। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है, एक खाली कटोरी लेकर उसमें 2 चम्मच पपीते के पेस्ट की ले लीजिए और फिर इसमें 1/2 चम्मच से आधी हल्दी डाल दीजिए। उसके बाद इसमें 1/2 चम्मच से थोड़ा कम नमक डालकर इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आपको इसे कैसे लगाना है, आइए जान लेते हैं। इस रेमेडी को लगाने से पहले आपको उस जगह को गुनगुने पानी से साफ कर लेना है और फिर इस रेमेडी को अपने अनचाहे बालों पर अच्छी तरह से लगा लेना है। लगाने के बाद 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 20 मिनट के बाद इसे नॉर्मल पानी से धो लेना है। दोस्तों, इस रेमेडी का 1 हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल करना है। 3 बार के इस्तेमाल से ही आपको इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।